गुड आफ्टरनून क्लास, माई नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि फिलोसफी क्या है और पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो फिलोसफी लाइक व्हाट इज फिलोसफी? फिलोसफी इज द सेट ऑफ आइडियाज, स्टैंडर्ड्स, बिलीव यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर एंड थॉट। इट इज द कॉन्सेप्ट विच हैज बीन डिराइव्ड बाई सम फिलोसफर। एंड हु इज फिलोसफर? दे आर द वाइज पर्सन, दे आर द लॉजिकल पर्सन हैविंग सम रीजन टू डिराइव द कॉन्सेप्ट बाई सीइंग द करंट सिनेरियो। वो एक विजन प्रोवाइड करते हैं, वो आपको एक दर्शन शास्त्र के थ्रू वो आपको एक दर्शन देते हैं, एक विजन देते हैं, साइट देते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। वहीं पे पॉलिटिकल साइंस इज द नैरोअर कॉन्सेप्ट। जो आपकी फिलॉसफी है ये बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, इसमें एथिक्स भी आते हैं, मॉरालिटी भी आती है, स्टैंडर्ड्स की भी बात की जाती है, स्टेट की भी बात की जाती है, नेशनल लेवल्स की भी बात की जाती है, इंटरनेशनल लेवल्स की भी बात की जाती है। हर एक चीज़ जो ह्यूमन बिहेवियर को टच करती है, दे ऑल आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी। मीन्स इट इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल साइंस, वेयर इज पॉलिटिकल साइंस द नैरोअर कॉन्सेप्ट। इट इज़ वेरी very 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 much confined with state and government. It is the study of state and government and the concept which is totally related with the government and state, that is power, struggle for the power, how to maintain that power. Whereas philosophy is totally related with the concept which is derived by seeing the current scenario, that is like what is democracy, what is right, what is wrong, what is the moral standard, what is the difference between right and wrong, what is just, what is unjust. ये सारी जो चीज़ें आपको दी जाती हैं वो फिलोसफी के थ्रू दी जाती हैं। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ आइडल वैल्यूज एंड द गुड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑल डायमेंशन। ये किस चीज़ की बात करता है? ये आइडल्स की बात करता है, वैल्यूज़ की बात करता है, ह्यूमन बिहेवियर, गुड ह्यूमन बिहेवियर की बात करता है। एक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर जिस जिस डायमेंशंस में होता है उन सारे डायमेंशंस को, उन सारे लेवल्स को टच करता है। वहीं पर पॉलिटिकल साइंस इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है उसके उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, लाइक सोशियोलॉजिकल, लाइक साइकोलॉजिकल, लाइक इकोनॉमिकल, लाइक हिस्टोरिकल एंड प्लस पॉलिटिकल। तो जो ये सारी सोशल साइंसेज हैं प्लस जितने भी तरीके से आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, दे ऑल आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी। वेयर एज पॉलिटिकल लेवल इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये जो एथिक्स है, ये जो मॉरालिटी है, ये जो सोशियोलॉजी है, ये जो हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ये साइकोलॉजी है, दे ऑल आर पार्ट ऑफ फिलोसफी। देयर इज पॉलिटिकल साइंस टच ओनली स्टेट, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल फिनोमिना। नेक्स्ट देखिए, इट इज स्पेसिफाइज वॉट इज गुड एंड वॉट शुड बी डन इन ईच एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन। जो फिलोसफी होती है ये ऑट टू बी का कॉन्सेप्ट होती है कि क्या होना चाहिए, why it must be done, क्यों होना चाहिए, what is the good, what is bad, what is right, what is wrong, what is just, what is unjust। ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जितने भी आपके फिलोसफर्स हैं, फिलोसफर्स ने अपने रैशनल माइंड को यूज़ करते हुए कुछ लॉजिक्स दिए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट आप वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई इन द सेंस उनको सर्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल हैं, उनके पास रीजंस हैं, वो अपने आर्ग्यूमेंट से, वो अपने रैशनल माइंड से आपको क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन देते हैं, करंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। वेर एज पॉलिटिकल साइंस इट स्पेसिफाइज वॉट इज गुड एंड वॉट शुड बी डन इन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन। जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है, पॉलिटिकल का मतलब होता है जो चीज़ें आपके स्टेट से कंसर्निंग है, स्टेट से रिलेटेड है, वो पॉलिटिकल साइंस डील करता है। लाइक philosophy is the integration of all the sciences as well as social sciences, means history plus sociology plus psychology plus economy plus war plus ethics plus morality, in sari cheezon ki study aap kahan karte hain philosophy mein। philosophy is the vast area of knowledge which is deal by various philosopher, and philosopher apne rational mind se aapko concepts dete hain, values batate hain, human values batate hain, human behavior ko regulate karne ki koshish karte hain apne opinion se, apne expression se। wahi pe jo political science hai wo keval aur keval state se related matter ko dekhta hai, wo kisi aur human behavior jis jis cheezon se affect ho raha hai wo unko deal nahi karta hai। इट इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड वैल्यूज।
जो आपकी फिलॉसफी है वो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स और मोरालिटी की बात करती है. वहीं पे जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है इट इज़ मोर प्रैक्टिकल एंड एम्पिरिकल. मोर प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक होती है, सुटेबल टू टाइम होती है, और एम्पिरिकल होती है इट इज़ द एक्चुअल एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पर्टिकुलर पर्सन. मीन्स यहाँ पे चीज़ों को आप एज इट इज़ अप्लाई करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी को स्टडी अगर करना है तो आपको पॉलिटिकल पार्टी को पढ़ना पड़ेगा, स्टडी सब्जेक्ट मैटर आपका पॉलिटिकल पार्टी होगा. एम्पिरिकल का मतलब होता है कि जहाँ पे आपके खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, खुद आप एक्टिवली वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, वो चीज़ों टाइम टू टाइम वो चीज़ें आपकी सिचुएशन पे करंटली करंट सिनेरियो में वो अप्लाई होती हैं. आगे देखिए, इट प्रिस्क्राइब्स यूनिवर्सल वैल्यूज फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. जो आपकी फिलॉसफीज आती हैं, चाहे वो आइडियल स्टेट की बात हो या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेके हो या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हो, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती हैं बिकॉज दे हैव यूनिफॉर्म एप्लीकेशन. वेयर एज पॉलिटिकल साइंस इट प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक वैल्यूज फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. एक स्पेसिफिक इशूज को डील करता है, स्पेसिफिक वैल्यूज देता है जो केवल स्टेट से रिलेटेड होंगे, लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, मोनार्क सिस्टम, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी. ये सब सारे कॉन्सेप्ट कहाँ पे आते हैं? पॉलिटिकल साइंस में. फिलॉसफी की बात करते हैं, इट इज़ मोर कनेक्टेड विथ एथिक्स. एथिक्स का मतलब होता है एक मॉरल स्टैंडर्ड, व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो ह्यूमन का इनर कॉन्साइज होता है, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी. वेयर एज पॉलिटिकल साइंस इट इज़ मोर कनेक्टेड विथ फैक्ट्स. जो आपके सामने फैक्ट्स आते हैं, जो आइडियाज़ आते हैं, जिनको आप पॉलिटिकली प्रैक्टिकली सोसाइटी में अप्लाई करते हो. अप्लाई क्यों करते हो? क्योंकि यू हैव सेट ऑफ फैक्ट्स, यू हैव डाटा, यू हैव इंफॉर्मेशन एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दोज फैक्ट्स ऑन स्टेट. वहीं पे फिलॉसफी इट फोकस ऑन व्हाट ऑट टू बी. ऑट टू बी का मतलब क्या होना चाहिए. जो फिलॉसफर होते हैं, चाहे वो प्लेटो हो, एरिस्टोटल हो, सिसरो हो, या फिर कोई भी रहा, रूसो रहे हो, थॉमस हॉब्स रहे हो, इन्होंने सोसाइटी को देखते हुए जो उन्हें लगता था कि ये ऐसा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, दैट इज ऑट टू बी. एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ. आपके जो प्लेटो थे, प्लेटो के टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉरलाइक कंडीशंस थी, बार बार युद्ध हो रहा था, तो वो चाहता था कि उसके स्टेट में जस्टिस आए. जस्टिस को अटेन करने के लिए, जस्टिस को अचीव करने के लिए ही उसने कॉन्सेप्ट दिया था आइडल स्टेट का. आदर्श राज्य होना चाहिए ताकि आपके राज्य में किसकी स्थापना हो सके? न्याय की स्थापना हो सके. न्याय की स्थापना होनी चाहिए, इसीलिए उसने थ्योरी दे दी आइडल ऑफ जस्टिस. इसीलिए उसने कॉन्सेप्ट दिया आइडल स्टेट का. आइडल स्टेट वॉज द मीन्स टू अचीव जस्टिस. ये ऑट टू बी के कॉन्सेप्ट पे बेस होती है आपकी फिलॉसफी. वहीं पे आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है, ये एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन करंट सिनेरियो, व्हाट इज हैपनिंग इन प्रेजेंट, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. आपकी ये जो आपकी फिलॉसफी है इट इज़ इनडायरेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट. वहीं पे जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है इट इज़ मोर डायरेक्ट एंड क्लियर. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपको एक क्लियर कट नहीं दिख रहा होगा, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल फिलॉसफी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए. हो सकता है वो इतना ज़्यादा वेग हो, इतना ज़्यादा ब्रॉड हो कि प्रैक्टिकली सोसाइटी में उसको अप्लाई किया ही ना जा सके. वहीं पे जो पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट होते हैं, दे आर वेरी मच क्लियर कट, दे आर वेरी मच रियल इन द सेंस यू कैन प्रैक्टिकली अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट, दोज प्रिंसिपल्स, दोज ओपिनियन ऑन स्टेट. तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया है क्योंकि फिलॉसफी जो होती है इट इज़ वेरी मच फार अवे फ्रॉम रियलिटी. कभी कभी जो आपके फिलॉसफर होते हैं वो इतने इंटू हो जाते हैं किसी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, सच को ढूंढने के लिए, एक्सप्लोरेशन में, सर्च में, कि वो जो वास्तविकता होती है उससे वो कोसों दूर चले जाते हैं. और जब आप वास्तविकता से कोसों दूर हैं, दैट इज़ फार अवे फ्रॉम रियलिटी, तो उसको प्रैक्टिकली सोसाइटी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ये जो आइडल सिस्टम होता है, आदर्श राज्य होता है, राम राज्य है, ये कॉन्सेप्ट, ये पॉलिटिकल थिंकिंग हो या फिर आपकी फिलॉसफी हो, ये बहुत पहले के कॉन्सेप्ट हैं. टाइम टू टाइम चीज़ें बदल रही हैं तो फिलॉसफी में भी चेंज आना चाहिए. लेकिन ये जो आपके फिलॉसफर होते हैं ये एक टाइम पे होते हैं, इनकी थिंकिंग बार बार चेंज होने तो हो नहीं सकती क्योंकि ये जिस टाइम पे थे उसी टाइम पे उन्होंने थिंकिंग प्रपाउंड की थी और वही प्रपाउंडर की थिंकिंग टाइम टू टाइम हर सिचुएशन में फिट बैठे, आप उसको अडॉप्ट कर सको, ये ज़रूरी नहीं है. वहीं पर जो पॉलिटिकल साइंस है ये किसकी स्टडी कर रहा है? स्टेट की, गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट और स्टेट
किससे काम करते हैं, लॉ से। लॉ के लिए आपको पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, लेजिटिमेट पावर चाहिए। ये सारा सब्जेक्ट मैटर होता है पॉलिटिकल साइंस का। देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस, बट दोज फिलोसफी, दोज कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी एवरी टाइम, दे कैन नॉट बी अडॉप्ट एज सच इन एवरी सिचुएशन। मीन्स जो थे जैसे थे, आप उनको एज सच कभी भी अपनी करंट सिचुएशन में फिट नहीं बैठा सकते। आपको उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस इन द सेंस, अगर मान लीजिए मोनार्क सिस्टम था, तो मोनार्क आज आपका डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चेंज हो चुका है। आपके जो ह्यूमन नेचर को उन्होंने डील किया फिलोसफर्स ने, चाहे वो आपके थॉमस हॉब्स हैं, उन्होंने ह्यूमन बीइंग को सेल्फिश कहा था, उन्होंने मोस्ट क्रूएल क्रिएचर ऑफ गॉड कहा था। क्या आज ह्यूमन बीइंग हमेशा क्रूएल होता है? हाँ, क्रूएल होता है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, टाइम टू टाइम वेरी करता है। मीन्स अगर किसी को फियर है, फियर ऑफ एप्रीहेंशन, फियर ऑफ एनी काइंड ऑफ अटैक, फियर ऑफ वॉर, तो हाँ वो क्रूएल होगा, वो सेल्फ प्रिजर्वेशन की तरफ भागेगा। लेकिन अगर कंडीशन नॉर्मल है, पीसफुल कंडीशन है, तो ह्यूमन बीइंग आपका सोशल हो जाता है, कोऑपरेटिव हो जाता है, हारमोनियस हो जाता है। मींस किसी एक के ओपिनियन, किसी एक के थॉट, किसी एक के बिलीफ रिलेटेड विद द ह्यूमन बिहेवियर हमेशा एक रहें, एक जैसे रहें, दैट दैट इज नॉट पॉसिबल। ये बात थी फिलोसफी की। वहीं पे पॉलिटिकल साइंस इज द मोस्ट डायरेक्ट एंड क्लियर कट अप्रोच, विच इज टोटली रिलेटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट लॉ पावर अथॉरिटी एंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ह्यूमन बींग और उससे रिलेटेड जितने भी पॉलिटिकल फिनोमिना हैं, वो सारा सब्जेक्ट मैटर है आपके पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस टाइम टू टाइम बहुत वाइडन अप हो चुकी है। शुरू आपने स्टेट से किया था, लेकिन आज वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ तक पहुँच चुकी है। वहीं पर फिलोसफी बहुत वेग सब्जेक्ट है। इट इज़ अ रिवर ऑफ नॉलेज। यहाँ पे बहुत सारे फिलोसफर्स होते हैं हु आर जिनकी क्यूरियोसिटी होती है टू रिवील द नॉलेज, और इसी को जानने के लिए वो टाइम टू टाइम वेरियस थ्योरी को प्रपाउंड करते हैं। और आई होप सो कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। थैंक यू क्लास।